काली चुड़ैल और गोरी चुड़ैल ये दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां होती हैं। एक दिन, पता है काली चुड़ैल, वो मोटी चुड़ैल कल मुझे चुड़ैल लोग के बारे में बता रही थी। चुड़ैल लोग का नाम सुनते ही मानो काली चुड़ैल की हवाइयां उड़ जाती हैं। क्या सच में चुड़ैल लोग इतना भयानक है? तू डर क्यों रही है? हाँ गोरी चुड़ैल, तुम वहाँ जाने की सोचना भी मत। सुना है वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आ पाता, और वो बहुत ही भयानक जगह है। धत पगली, तू खाली फोकट में डरती है। चल चुड़ैल लोग चलते हैं पिकनिक मनाने को। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी, और तुझे भी यही सलाह दूंगी। पिकनिक मनाना है तो चल लोनावला चलते हैं, लेकिन चुड़ैल लोग ना बाबा ना, हरगिज नहीं। तू इधर ही बैठ, मैं तो चली। फिर गोरी चुड़ैल अपनी बास्केट लेकर चुड़ैल लोग चली जाती है, जहां उसे चुड़ैल लोग के द्वार पर दो द्वारपाल मिलते हैं। पिकनिक मनाने आई हो गोरी चुड़ैल? हाँ। वापस चली जाओ, एक बार अंदर गई तो बाहर नहीं जा पाओगी। हटो मियाँ, डरा रहे हो। फिर गोरी चुड़ैल चुड़ैल लोग के अंदर चली जाती है। चुड़ैल लोग सुनने में जितना डरावना था, देखने में वो उससे कई ज्यादा भयंकर था। गोरी चुड़ैल जैसे जैसे चुड़ैल लोग के अंदर अपने कदम बढ़ा रही थी, उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। पेड़ों पर फलों की जगह इंसानों के कटे हुए सर थे, कंकाल खून पी रहे थे, चुड़ैल और शैतान हाथों के बल चल रहे थे। चारों ओर शैतानी आवाजें और चीख, हर जगह खून ही खून फैला हुआ था। ये सब देखकर गोरी चुड़ैल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है कि तभी वहाँ पर एक शैतान आता है। हेलो गोरी चुड़ैल, वाव कितनी ब्यूटीफुल हो तुम, पक्का पिछले जन्म में कोई हीरोइन रही होगी। वैसे मायसेल्फ बिल्लू, बिल्लू पनवारी, इस चुड़ैल लोक का मोस्ट हैंडसम शैतान हूँ मैं। मुझे कुछ करना मत, बस मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे पृथ्वी लोक जाना है। वो तो नामुमकिन है। तभी वहाँ कुछ और भूत और चुड़ैल आ जाते हैं और सभी गोरी चुड़ैल को घेर कर हंसने लगते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि तभी वहाँ एक सरपटी चुड़ैल अपने हाथों में खुद का कटा हुआ सर लेकर वहाँ से गुजरती है, जिसे देखकर सभी मौन हो जाते हैं। ये कौन थी? चुड़ैलों की रानी, इसकी इजाजत के बिना यहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। बचकर रहना इससे, अब यही रहने की आदत डाल लो, वरना ये तुम्हें जीने नहीं देगी। फिर बिल्लू शैतान भी वहां से गायब हो जाता है। वहीं गोरी चुड़ैल गुफा में जाकर जोर जोर से रोते हुए काली चुड़ैल को याद करने लगती है। वहीं गोरी चुड़ैल के बिना पृथ्वी लोक पर काली चुड़ैल का भी मन नहीं लग रहा था। तभी मोटी चुड़ैल उसके पास आती है। क्यों मैडम, आज अकेली बैठी हो? गोर का कहाँ गई? चुड़ैल लोग, ये सब तेरी वजह से हुआ है, अब वो वापस कैसे आएगी? बड़ा टेंशन क्रिएट कर दिया यार तुमने, डोंट वरी मैं अभी आई। फिर मोटी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है, और कुछ ही पल में एक तांत्रिक के साथ वहाँ आती है, जिसे देखकर काली चुड़ैल डर के वहाँ से भागने लगती है। तभी मोटी चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। डर मत, ये बाबा हमारी मदद करेंगे। डरो मत बेटी, ये लो ये छड़ी, और तुम बेझिझक चुड़ैल लोग जाओ, ये तुम्हारी मदद करेंगी। फिर तांत्रिक वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दोनों चुड़ैलें चुड़ैल लोग पहुंच जाती हैं, जहां द्वारपाल दोनों चुड़ैलों को रोक लेता है कि तभी काली चुड़ैल दोनों को उस चुड़ैल से भस्म कर देती है। वहीं चुड़ैल रानी को ये सारी बात पता चलती है और वो गोरी चुड़ैल को बंदी बना लेती है। चुड़ैल रानी, मेरी गोरका को छोड़ दो, वरना ठीक नहीं होगा। और जैसे ही काली चुड़ैल चुड़ैल रानी को छड़ी से भस्म करने जाती है, चुड़ैल रानी अपनी शक्ति से छड़ी को तोड़ देती है। उसके ऐसा करते ही चुड़ैल लोग तहस नहस हो जाता है, और तीनों चुड़ैले वहां से आजाद होकर पुनः धरती पर आ जाती हैं। मेरी गौर का, मेरी कलूटी। फिर दोनों रुआसी होकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं।